हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बिजनेस माई अकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बायोडायवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका CGPSC का जो एक अभी पोस्ट निकला है, जिसे हम लोग SCF कहते हैं, उसके सिलेबस में इसका वर्णन किया गया है। तो हम लोग बायोडायवर्सिटी को पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे और आपको यह भी जानना चाहिए कि बायोडायवर्सिटी का जो पार्ट है यह आपका CGPSC मुख्य परीक्षा में भी शामिल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बायोडायवर्सिटी का पार्ट। ठीक, बायोडायवर्सिटी की बात करें, इसका यदि हम लोग सामान्य अर्थ लें, है ना, तो बायोडायवर्सिटी अर्थात हमारा हो जाएगा बायो प्लस डायवर्सिटी होता है। ठीक है, बायो मीन्स होता है आपका जीव होता है। ठीक है, जीव जंतु पेड़ पौधे ये सब इसके अंदर आ जाते हैं, जो कि सजीव होते हैं, जो कि लिविंग थिंग्स होते हैं, ये इसके अंदर आते हैं। डायवर्सिटी मतलब होता है कि ये जो प्रजातियों में भिन्नता पाए जाना डायवर्सिटी कहला जाती है। तो यदि हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में यदि लें, तो जीवों में विभिन्न प्रकार की जो भी प्रजातियां पाई जाती है उसे हम लोग बायोडायवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यही हमारा सामान्य बोलचाल की भाषा में हो गया, यदि हम लोग उसको कहें तो। ठीक है, जैसे कि आपका ये जो विविधता जो पाई जाती है, इसको ध्यान दीजिए, ये आपको बहुत से कारणों से आपको मिल सकती है। ठीक है, जैसे कि उसके भार हो गया, उसके वेट हो गया, उसकी ऊंचाई हो गया, आकार हो गया, इन सब में आपको विभिन्नता देखने को मिलेगी। जैसे एग्जांपल के ले सकते हैं कि एक चींटी है, और एक चींटी जो कि बहुत ही छोटा होता है, और उसके सामने भी हम लोग हाथी के एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो दोनों देखा जाए तो जीव ही है, परंतु क्या है, उनके आकार में आपको विभिन्नता दिखाई देने को मिलेगी, उनमें अंतर देखने को मिलेगी। तो इस तरह से ये दोनों क्या है, ये अलग अलग हैं। ठीक है, उसी तरह से हम लोग एग्जाम्पल लें, अमीबा होगी, जिसे हम लोग क्लेमाइडो मोनास के नाम से जानते हैं, जो बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही माइक्रो लेवल का ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, बहुत छोटा होता है। और इसकी हम लोग बड़े की बात करें तो जैसे यूकेलिप्टस रेगनेंस, ये बहुत ही विशालकाय वृक्ष होता है, बहुत ही इसकी ऊंचाई बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो हम लोग क्लेमाइडोमोनास और यूकेलिप्टस रेगनेंस की तुलना करें तो इनके जो ऊंचाई में आपको अंतर देखने को मिलेगी, उसी तरह से आपका चींटी और हाथी के बीच में आकार में अंतर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका आकार, स्वभाव, आवास, एक गुणों में इस प्रकार की आपको विभिन्नता देखने को मिलेगी। ठीक है, परंतु बायोडायवर्सिटी के अंदर सिर्फ ये आपको विभिन्नता देखने को नहीं मिल पाएगी, इसके साथ साथ इनके रहन सहन कैसी होगी, इनके आवाज स्थान कैसे कैसे हैं, ठीक है, ये सब इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, और उनकी जीवन शैली कैसे होगी, प्रजनन प्रक्रिया कैसी होगी, श्वसन से संबंधित बातें, रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, इन सब लक्षण में भी उनको वहाँ पर आपको विभिन्नता देखने को मिलेगी, इनमें भी उनको आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग ये हो गया सामान्य भाषा में बोला जाए तो जीवों के मध्य पाए जाने वाले विविधता को ही हम लोग जैव विविधता के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके स्पेशल यदि डेफिनेशन की बात करें तो क्या कह सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर इसका जो डेफिनेशन दिया गया है ये हमारा वाल्टर जी रोसेन जी द्वारा दिया गया है। नाम ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बायोडायवर्सिटी शब्द का जो प्रयोग किसने किया है, तो आपका वाल्टर जी रोसेन ने किया है। ठीक है, कब किया है, तो आपका 1986 में इसका पहली बार प्रयोग किया था। ओके, यदि इसके अनुसार बायोडायवर्सिटी की परिभाषा जानने का प्रयास करें तो इनका मानना है कि जैव विविधता क्या सही मायने में समस्त जीवों की जातियों की एक रिचनेस है, अर्थात जितने भी जीव संसार में हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो पक्षियां हो, चाहे वो हाथी हो, मनुष्य हो, जितने भी आपके जीव हैं, सभी में क्या एक प्रकार का विपुलता है, विपुलता मतलब रिचनेस है, सभी बहुत ही बड़ी मात्रा में मौजूद हैं इस वातावरण में। ठीक है, तो उन सभी में क्या होता है, एक किसी निश्चित आवास में पारस्परिक क्या होते हैं, अंतःक्रिया स्थापित होता है, अर्थात दोनों, ठीक है, जीव जंतु पेड़ पौधे दोनों के बीच में क्या होता है, एक प्रकार का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, एक संबंध होता है, उन दोनों के मध्य जो संबंध स्थापित होता है तो उससे एक तंत्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तंत्र का निर्माण होता है, और तंत्र ही हमारे एक प्रकार के क्या हो सकते हैं, उन दोनों के मध्य संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा जैव विविधता है ये सब एक दूसरे के मध्य क्या करते हैं, अंतःक्रिया स्थापित करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ही हमारे क्या है, बायोडायवर्सिटी।
ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हम लोग उसको संक्षिप्त में बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम बोल सकते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है, सो ध्यान दीजिए। ओके चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके पश्चात टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी अर्थात जैव विविधता के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमारा अनुवांशिक विविधता, ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये नाम से ही स्पष्ट है कि किसी एक विशेष जाति के अंतर्गत बहुत ही माइक्रो लेवल पर जो भी विविधता पाई जाती है वो हमारा अनुवांशिक विविधता कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सभी के जो डीएनए जो होता है, जो सभी का जो जीन होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पाया जाता है। ठीक है, किसी का एक नहीं हो पाता। इसका भी आप लोग अच्छे से एग्जांपल लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं कि आप जैसे ही थंब लगाते हैं तो थंब का जो आपका जो स्ट्रक्चर जो होता है उसका स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। उस तरह से आपका जो टंग है, टंग का जो भी एक प्रकार का संकेत है, सभी का अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो डीएनए के अनुसार या फिर जीन के आधार पर सभी मनुष्यों में, सभी जातियों के प्राणियों में एक प्रकार का विविधता पाई जाती है, जिसे हम लोग अनुवांशिक विविधता के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा जेनेटिक होता है। ठीक है, मतलब पहले से ही ये सब निर्धारित हो चुका होता है। तो ये हो गया हमारा जेनेटिक विविधता। ओके, अगला बात करें तो जाति या फिर स्पीसीज विविधता। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है कि किसी विशेष क्षेत्र में उपस्थित जातियों की संख्या एवं प्रचुरता को उस क्षेत्र की जाति विविधता कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एक प्रकार का कोई एरिया है, ठीक है, इस प्रकार से, तो इस एरिया में इतने सारे लोग रह रहे हैं, तो जो भी मान लेते हैं ये हाथी है, ये ऊंट है, या फिर सांप है, या फिर मगरमच्छ है, तो जितने सारे यहाँ पर आपको विविधता देखने को मिलेगी, तो ये हमारा जातीय विविधता है, अर्थात ये स्पीसीज है। ठीक है, मतलब आपको अलग अलग प्रकार की जातियाँ इस कम्युनिटी में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इस डाइवर्सिटी को हम लोग बोलेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी के नाम से इसको हम लोग पुकारेंगे। ओके, तो ये होगा हमारा जाति या फिर स्पीसीज विविधता। ओके, देखिए अगला जो विविधता है उसे हम कहते हैं सामुदायिक या फिर पारिस्थितिक विविधता, इंग्लिश में बोलेंगे तो कम्युनिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो भी समुदाय जो होते हैं उनमें विविधता आपको देखने को मिलेगी, किसके में, तो स्पीसीज में। ठीक है, यदि सामुदायिक या फिर पारिस्थितिक विविधता की बात करें तो इसका जो मापन जो होता है ये तीन चरणों में होता है, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और तीसरा है गामा डाइवर्सिटी, जिसे हम लोग क्षेत्रीय विविधता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अल्फा विविधता के तात्पर्य है कि किसी विशिष्ट समुदाय के अंदर पाई जाने वाली विविधता को ही हम लोग अल्फा विविधता के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप इतना माइंड में रखिए कि किसी समुदाय के अंदर जितने भी आपको विविधता पाई जाएगी वह आपका अल्फा विविधता कहलाएगी। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि बीटा विविधता। बीटा विविधता से तात्पर्य है कि इस प्रकार की जो डाइवर्सिटी होगी वह वातावरण प्रवस्था के विभिन्नता के कारण या फिर आवास तो स्थल जो होता है उसमें जो परिवर्तन जो होगा उसके कारण यह सब उत्पन्न होती है, ये विविधता आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके, गामा विविधता की बात करें तो इसे हम लोग क्षेत्रीय विविधता भी कहते हैं, जैसे किसी एक विशेष क्षेत्र में जितने भी आवास स्थल हैं, ठीक है, तो कुल आवास स्थलों के जातियों के विपुलता को हम लोग गामा विविधता के नाम से जानेंगे उसको। ठीक है, देखिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं तीनों को। यहाँ पर डिब्बा डिब्बा बना हुआ है, मैं आपको आसान भाषा समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा कम्युनिटी एक प्रकार का है, ठीक है, ये जो गोरो गोल जो घेरा हुआ है हमारा क्या है, कम्युनिटी है। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है कम्युनिटी, और जो हमारा जो अंदर में जो रेक्टेंगल टाइप का बना हुआ, जो आयत टाइप का बना हुआ है वो हमारा आवास है। क्या है, आवास है। तो हमारा ए बी, तो ए बी ए हमारा स्पीसीज है, ये जातियां हैं, क्या क्या जातियां यहाँ पर क्या क्या विद्यमान है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि अल्फा डाइवर्सिटी किसे कहते हैं, कि किसी समुदाय में पाए जाने वाले जो भी विविधता पाई जाती है, जो भी भिन्नताएं पाई जाती है जातियों की, वही हमारे क्या है, अल्फा डाइवर्सिटी है। तो आप बताइए ये जो कम्युनिटी जो दिखाई दे रही है इसके चारों ओर, उसमें कितना विविधता देखने को मिल रही है आपको, सिर्फ ए और बी। ठीक है, ए और बी के, बी के अलावा और तो नहीं दिख रही है आपको, सी तो नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो विविधता कितनी दिख रही है आपको, बस दो ही है। तो इसलिए हमारा जो अल्फा डाइवर्सिटी का मान कितना होगा, यहाँ पर दो हो गया। ओके, अब हम लोग बात करते हैं गामा डाइवर्सिटी किससे कहेंगे। ठीक है, तो गामा डाइवर्सिटी का मान देखिए है ना, यहाँ पर एक रूल्स और बोलता है, यदि किसी भी समुदाय के अंतर्गत
जितने भी आवास होंगे, ठीक है, और सभी आवास में एक ही प्रकार की प्रजाति पाए जाएंगे, तब पी कंडीशन में अल्फा जो डाइवर्सिटी होती है का मान गामा डाइवर्सिटी के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सभी जितने भी आवास पाए जा रहे हैं सभी में क्या है, जातियाँ जो प्रजाति जो पाई जा रही है सभी क्या है, बराबर हैं। अर्थात इस कंडीशन में अल्फा डाइवर्सिटी का मान क्या होगा, आपका गामा डाइवर्सिटी के बराबर होगा। अर्थात अल्फा डाइवर्सिटी का मान 2 है तो यहाँ पर गामा डाइवर्सिटी का मान क्या होगा, इसका मान भी 2 होगा। परंतु ध्यान दीजिए, यहाँ पर किसी भी विशेष समुदाय के अंतर्गत आने वाले जितने भी आवास हैं तो उस आवास में क्या है, यदि जातियाँ जो पाई जा रही है, जो भी विविधता जो पाई जा रही है, यदि वो असमान है, तब की कंडीशन में यहाँ पर ध्यान दीजिए अल्फा का जो वैल्यू जो होता है ये हमारा गामा के क्या होगा, ये गामा की इक्वल नहीं होगा। ये कब होगा, जब किसी भी समुदाय के अंतर्गत जितने भी आवास हैं और उनमें जो प्रजातियां जो हैं सभी समान होंगे, तब पी कंडीशन में अल्फा डाइवर्सिटी इज इक्वल टू गामा डाइवर्सिटी कहलाएगा। परंतु असमान होंगे तभी हमारा असमान होगा, ठीक है। परंतु यहाँ पर आपको इस एग्जाम्पल में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर सब समान है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर अल्फा का मान 2 है तो गामा का मान भी क्या हो गया, 2 हो गया है, ठीक है। अब हम लोग बीटा डाइवर्सिटी की यदि हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिए यहाँ पर बीटा डाइवर्सिटी जो है हमारा वो क्या है, एक प्रकार का, तो बीटा का फार्मूला एक प्रकार बोल सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू होता है आपका गामा अपॉन अल्फा डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। तो बीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो बीटा बराबर हो जाएगा गामा का मान कितना है, 2 है, और हमारा अल्फा का मान भी 2 है, तो 2/2 अर्थात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो गामा डाइवर्सिटी है उसका मान 2, अल्फा डाइवर्सिटी का मान 2 और बीटा डाइवर्सिटी का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। यदि हम लोग सामान्य भाषा में देखा जाए तो बीटा डाइवर्सिटी किसे कहेंगे, तो बीटा डाइवर्सिटी मतलब कि आवासों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि आवास कितना है, हालांकि यहाँ पर आवास आपको 4 देखने को मिलेगी, परंतु यहाँ पर आवास 4 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जातियाँ जो पाई जा रही है वो सभी समान है, तो सब यदि जातियाँ समान होती है तो आवास भी क्या होंगे, आपस में समान होंगे, इसीलिए बीटा का मान क्या होगा, 4 ना होकर 1 होगा, ठीक है। तो आई होप आपको अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसको जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पिछले जो ACF का जो एग्जाम हुआ था उसमें डाइवर्सिटी बारे पूछा गया था, ठीक है। अब हम लोग जैव विविधता के आयाम की बात कर लेते हैं, डायमेंशन कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर 3 डायमेंशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कौन कौन से 3 डायमेंशन हैं, तो एक हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षावन हो गया, वेटलैंड्स हो गया, और हमारा कोरल रिफ्स हो गया, जिसे हम लोग प्रवाल भित्ति के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यदि देखा जाए तो हमारे जो उष्णकटिबंधीय जो हमारा वर्षा क्षेत्र है वहाँ पर आपको जो बायोडायवर्सिटी होगी वो आपको बहुत ही अधिक मात्रा में देखने को मिलेगी, ठीक है। हालांकि यह जो क्षेत्र है, यह जो वर्षावन क्षेत्र है, ये विश्व भाग के मात्र 7% है, ठीक है, तो 7% है, परंतु इसके बावजूद भी यहाँ पर आपको जो विविधता जो देखने को मिलेगी वह आपका बहुत ही प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेगी, ठीक है। यदि हम लोग बात करें विश्व में जितने भी अभी तक जितने भी प्रजातियों के बारे में हमको ज्ञात है अभी तक, ठीक है, तो उसमें आधी जो प्रजाति है ये इसी क्षेत्र में निवास करती है, अर्थात ये हमारा क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अर्थात उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ही निवास करती है, ठीक है। जैसे में आपको बहुत सारे पादप जातियां देखने को मिल जाएगी, बहुत सारे वृक्ष देखने को मिल जाएगी, पक्षियां, तितली, सरीसृप, है ना, बहुत सारे असंख्य मात्रा में आपको कीट भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा एक प्रकार का डायमेंशन जैव विविधता का, ठीक है। दूसरा है हमारा वेटलैंड्स, वेटलैंड्स की यदि हम लोग बात करें तो सामान्य भाषा में बोल सकते हैं कि दलदल, ठीक है, वेटलैंड्स मतलब होता है दलदल। दलदल काम क्या होता है कि आधा भाग क्या होता है उसका, आधा भाग आपका वाटर होता है और आधा भाग क्या होता है, लैंड होता है। तो ये हमारा जो वाटर प्लस लैंड के बीच में एक प्रकार का ये संक्रमण जोन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, संक्रमण क्षेत्र के रूप में हमारा जो आर्द्र जो क्षेत्र होता है वह भूमिका निभाता है अपना, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है आर्द्र मतलब क्या होता है, नमी होती है, और जहाँ पर नमी होगी वहाँ पर जाहिर सी बात है बहुत सारे क्या होंगे, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, बहुत सारे आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको वेटलैंड्स में भी आपको विविधता देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आपका जो, जैसे कि आपको पता है जो भारत का जो, ठीक है, भारत जो है उसका पश्चिम बंगाल का एक सुंदरवन का डेल्टा है,
ये भी एक प्रकार का क्या है, ये भी एक प्रकार का वेटलैंड्स है, ये भी एक प्रकार का आर्द्र भूमि है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्या है, डेल्टा का तीन हम लोग सुंदरवन के डेल्टा को, ठीक है। तो हालांकि यह क्षेत्र कीचड़ युक्त है, परंतु यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की प्रजातियों में विभिन्नता देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको सांप देखने को मिलेगी, तरह तरह के सांप देखने को मिलेगी, मछलियाँ देखने को मिलेगी तरह तरह के, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर लकड़ीदार वृक्ष देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब आपके आर्द्र भूमि के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। अगला है हमारा कोरल रिप्स, ठीक है, जिसे हम लोग प्रवाल भित्ति के नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग समुद्रों के वर्षा वन भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समुद्रों के वर्षा वन किसे कहा जाता है। ऑप्शन रहेगा आपका वेटलैंड्स, कोरल रीफ्स या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रहेगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो आपका प्रवाल भित्ति होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सब क्वेश्चन को भी आपको तैयार रहने की विशेष जरूरत है, ठीक है। तो इन लोग कोरल रिफ्स की बात करें तो ये आपका जनरली कहाँ पर देखने को मिलेगा, आपका समुद्री तट पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, इस तरह के आपको वाक्याएं, ठीक है। जैसे कि आपका प्रवाल भित्ति के अंदर कौन कौन से चीज आ जाएंगे, यदि मैं आपको बताऊं कि विश्व का सबसे बड़ा जो प्रवाल भित्ति है वो कहाँ पर है, तो आपको पता ही होगा कि ये ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है, क्या नाम है उसका, ग्रेट बैरियर रीफ, बहुत ही क्या विशाल है, ठीक है। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की विविधता देखने को मिलेगी, मछलियाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके साथ साथ जितने भी समुद्र में जितने भी आपको असंख्य मात्रा में जो केकड़े होता है, ठीक है, आपका ब्रिटल स्टार होता है, समुद्री खीरा होता है, ठीक है, ये सब खाद्य पदार्थ भी देखने को मिलेगा। अनेक बहुत ही आपको यहाँ पर 2000 से भी अधिक किस्म की मछलियाँ भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन सब प्रवाल भित्तों में आपको जैव विविधता का एक बहुत बड़ा डायमेंशन है, यहाँ पर आपको बहुत सारे देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा कोरल रिप्स के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको ये डायमेंशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि हम लोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो हमारा जो उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन क्षेत्र है वहाँ पर आपको बहुत ही विनाश देखने को मिलेगा, है ना। जो लोग हैं वहाँ पर, जो भी वृक्ष पाए जाते हैं इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, लोगों द्वारा यहाँ पर आपको विनाश देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर बोला ये भी जाता है कि यहाँ पर जो जितने भी पहले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जितने भी पहले वृक्ष पाए जाते थे, उसका जो आधा जो वृक्ष है उनको मानव ने यहाँ पर नाश कर दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हरकतें यहाँ पर मनुष्य द्वारा किया जा रहा है, जाहिर सी बात है आने वाले समय में जो हमारा जैव विविधता बहुत ही खतरा है, ठीक है। ओके, लोग प्रवाल भित्ति की बात करें तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा समुद्र के किनारे बहुत सारे कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, या फिर खेतों में प्रयोग किया जाता है, जिस जो बह नाले की सहायता से बहते हुए समुद्र में पहुंच जाता है, जिससे कारण आपको कोरल रिप्स होता है वो खतरे में पड़ जाता है, ठीक है। मछली उत्पादन बहुत ही तीव्र मात्रा में होता है, ये भी हमारे क्या है, कोरल रिप्स के खतरे का एक संकेत है ना। इस प्रकार से जो कोरल रिप्स जो होते हैं उसमें आपको चूना की प्राप्ति होती है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चूना की प्राप्ति होने के कारण ही मनुष्य क्या करते हैं, चूने की प्राप्ति करने के लिए वहां पर अटैक करते हैं, है ना। और अटैक करने के पश्चात जो कोरल रिप्स जो होती है वो भी एक प्रकार खतरे में फिर से आ जाती है। तो ये सब आपके डायमेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के चुनौतियां हैं, जिसके प्रति सरकार को भी कदम उठाना चाहिए, जिससे कारण जो ये सब जो डायमेंशन है ये बच सके और हमारा जो जैव विविधता है पूर्ण रूप से सही सलामत हो सके, ठीक है। तो अगला जो हमारा है कि भारत की जैव विविधता वाले क्षेत्र को यहाँ पर मैप के सहारे मैं आपको दिखाने का प्रयास किया हूँ कि कौन कौन से क्या क्या है, ठीक है। भारतीय वन्य जीव संस्थान है ना, जिसे हम लोग वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहते हैं, उन्होंने ही भारत में क्या किया है, जैव भौगोलिक क्षेत्रों को विभिन्न भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। इसकी संख्या देखा जाए तो हमारा 10 है, कितना है, 10 है, ठीक है। तो कौन कौन सा एरिया है पर देख लेते हैं। तो पहला जो एरिया है इसे हम लोग ट्रांस हिमालय क्षेत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय क्षेत्र, जिसके अंतर्गत आपका हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, जम्मू कश्मीर सिक्किम वाला भाग आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला ये भाग हो जाएगा, ट्रांस हिमालय कहलाएगा। तो इन क्षेत्रों में आपको विभिन्न प्रकार का, जैसे आपको जंगली भेड़ हो गया, जंगली बकरी, हांगुर गुरुल, है ना, हिम चीता, ये सब आपके पशु पक्षियां देखने को बहुत ही बृहद मात्रा में देखने को मिलेगी, ठीक है। कहाँ पर, तो आपका ट्रांस हिमालय में, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का जो विभाजित किया गया है, ये भी इसका पार्ट है, पहला है हमारा ट्रांस हिमालय हो गया, ठीक है। यदि हम लोग सेकेंड की बात करें तो हिमालय क्षेत्र, क्या हमारा हिमालय क्षेत्र हो गया। तो देखिए यहाँ पर टू जो लिखा हुआ है, ठीक है, टू से लेकर हमारा जो क्षेत्र है
इसका विस्तार यहीं से किया गया है। इसके अंतर्गत आपका नेपाल का भी कुछ क्षेत्र आ जाता है, ठीक है, किसके अंदर, हमारे हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत। तो आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार के चीतल, भालू, बारहसिंघा, कस्तूरी मृग, तेंदुआ, ये सब देखने को यहाँ पर आपको देखने को आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। अगला जो पार्ट हमारा डेजर्ट पार्ट है यार, मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, इसके अंदर आपका राजस्थान है ना, आपका गुजरात, ये दोनों क्षेत्र इसके अंदर आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, हालांकि यहाँ पर आपको हरे भरे पेड़ पौधे देखने को नहीं मिल पाएगी, परंतु यहाँ पर कटेले जो पौधे हैं उसकी उपस्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिल पाएगी, ठीक है। अब कटेली पौधों में क्या क्या पाया जाएगा, तो आप ऐसे लिजर्ड हो गया, सांप हो गया, सियार, लोमड़ी, चींटियां, ये सब आपको जो वहाँ का जो जलवायु है, जो वहाँ पर जो क्लाइमेट है, बहुत ही कठोर क्लाइमेट है, ठीक है, यहाँ पर आपको शांत क्लाइमेट देखने को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पर तपती धूप पड़ती है राजस्थान वाले क्षेत्रों में। आपको पता ही होगा कि वहाँ पर क्या थार मरुस्थल है, यहाँ पर मिट्टी नहीं बल्कि क्या है, बालू है, बहुत ही कठोर जो जलवायु होने के कारण ये सब आपको जो जीव जंतु मैंने आपको नाम बताया यही सब आपको देखने को मिल पाएगी यहाँ पर, ओके। देखिए अगला जो भाग है वो हमारा है अर्ध शुष्क क्षेत्र, जिसे हम इंग्लिश में सेमी एरिड रीजन कहते हैं। और ध्यान दीजिए, सेमी एरिड रीजन के क्षेत्र में ही हमारा छत्तीसगढ़ आता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर हल्का सा यहाँ बढ़ना चाहिए, छत्तीसगढ़ भी शामिल है इसमें, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो छत्तीसगढ़, ये सब आपका गुजरात का कुछ एरिया हो गया, महाराष्ट्र कुछ एरिया हो गया, तो ये सब क्षेत्र आपके सेमी एरिड रीजन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, ओके। अब देखते हैं अगला जो पार्ट है हमारा पश्चिमी घाट, ध्यान दीजिए इसको, पश्चिमी घाट जैव विविधता के मामले में बहुत ही क्या है, एक समृद्ध पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिए कि जो भारत में है ना, जो भी हॉटस्पॉट जो बनाए गए हैं उसमें से पश्चिमी घाट भी शामिल किया गया है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर में हॉटस्पॉट क्या होता है, तो मोबाइल वाला जो कनेक्ट करते हैं वो हॉटस्पॉट नहीं होता है, इसे हम लोग तप्त स्थल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब तप्त स्थल क्या होता है, यह शब्द उन स्थलों के लिए उपयोग में लाया जाता है जहाँ पर जो बायोडायवर्सिटी बहुत अधिक मात्रा में क्या हो, संपन्न हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो पश्चिमी जो घाट है, वेस्टर्न जो हमारा घाट है, वहाँ पर आपको जैव विविधता बहुत ही संपन्न देखने को मिलेगा, बहुत ही समृद्ध देखने को मिलेगा, इसी कारण पश्चिमी घाट को यहाँ पर हॉटस्पॉट के रूप में दर्जा दिया गया है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट को यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलेगा, तो महाराष्ट्र से लेकर आपको केरल तक देखने को मिलेगा, तो हमारे पश्चिमी घाट का एरिया आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जैव विविधता देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको, ठीक है। अब देखते हैं डेक्कन पेनिनसुला, ठीक है, डेक्कन पेनिनसुला से तात्पर्य की दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है ये भारत में सबसे अधिक मात्रा में क्या करता है, भूभाग को प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लगभग आपका 2% भाग को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि जो भी भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र जितना विस्तार किया गया है उसमें सबसे ज्यादा जो स्थान है वह आपका है दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, अर्थात डेक्कन पेनिनसुला है, ठीक है। तो डेक्कन पेनिनसुला के अंतर्गत आपका बहुत सारे जीव जंतु देखने को मिल पाएगी, जैसे कि आपका लंगूर हो गया, हाथी, चीता, हिरण, जैसे बहुत सारे, ठीक है। वृक्षों के लिए हम बात करें तो चंदन का जो वृक्ष मिलता है, लाल चंदन है ना, रक्त चंदन, ये सब वृक्ष भी आपको देखने को मिल पाएगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो वन जो आच्छादित है वो आपका उष्णकटिबंधीय वन से ही है हमारा आच्छादित हुए हैं, ठीक है। कौन सा हमारा, तो हमारा दक्षिणी प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र, ओके। अगला जो हमारा है गंगेटिक प्लैंड्स है, अर्थात गंगे मैदान का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर देखने को मिलेगी गंगे मैदान का क्षेत्र, यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए 7वां नंबर पर, ओके, ये 7वां नंबर पर है। इसके अंतर्गत भी आपका यूपी आएगा, आपका बिहार देखने को मिलेगा, यहाँ पर हल्का सा पश्चिम बंगाल भी देखने को मिलेगा, तो ये सब क्षेत्र इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको बहुत सामान्य जंतु के साथ साथ आपको वृक्ष भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो गंगा में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है, जो कि आपका विलुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है, वो भी आपको देखने को मिलेगा, कौन सा, आपका गंगा के क्षेत्र में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमारे हो गया गंगा मैदान का क्षेत्र हो गया, ओके।
अगला बात करें तो कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन मतलब होता है हमारा समुद्री तटीय क्षेत्र होता है, ठीक है। तो आपका जहाँ जहाँ आपको समुद्र देखने को मिल रहा है वहीं पर आपका तटीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका ये भी जो सुंदरबन का डेल्टा है ये भी हमारा तटीय क्षेत्र हो गया, ये जो हमारा जो कच्छ की खाड़ी है ये भी हमारा क्या हो गया, कच्छ का रण, इसको कच्छ की खाड़ी बोलते हैं, ये हमारा तटीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो कोस्टल एरिया आपको देख, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे मैंग्रोव बहार वनस्पति देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। हालांकि जैसे कि मैंने बताया कि जो कोस्टल जो एरिया होते हैं जो वेटलैंड्स की तरह होते हैं, ठीक है, अर्थात ये दलदली क्षेत्र वाले होते हैं। ओके ओके, अगला देखिए जो वो डिवाइड किया गया है नॉर्थ ईस्ट अर्थात पूर्वी उत्तर का क्षेत्र भी यहाँ पर डिवाइड किया गया, जिसके अंतर्गत आपको पता होगा कि जितना भी पूर्वोत्तर जो राज्य हैं वही सब इसके अंदर शामिल होंगे, जैसे कि आपका असम हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब इसके अंदर यहाँ पर शामिल होंगे, ठीक है। ओके, और यहाँ पर भी बहुत सारे आपको फसल देखने को मिलेगा, बहुत सारे फसल के अंतर्गत आपको जीव जंतु है ना इसके सभी अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। हमारा बात पूर्वी उत्तर वाले भाग की, ठीक है। अब जो लास्ट है हमारा जो दसवां जो पार्ट है उसको हम लोग आइसलैंड बोलेंगे। आइसलैंड मतलब होता है द्वीपीय प्रदेश, है ना। अब कहाँ कहाँ पर द्वीप है आपको तो पता ही होगा कि हिंद महासागर में ही आपका द्वीप है, जैसे कि आपका अंडमान निकोबार हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ आपका लक्षद्वीप वाला पोर्शन हो गया, तो ये हमारा आइसलैंड के तहत आ जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको रबड़ की खेती हो गया, महोगनी, अबुनी, है ना, सारे आपको देखने को मिल जाएगी। इस क्षेत्र में आपको विविधता देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये सब कौन सा लैंड से हमारे आइसलैंड है। ओके सर, क्या ये था हमारा बायो जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ध्यान देने की जरूरत है इसको आपको, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन अराइज हो सकता है, निम्न में से कौन सा भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र का भाग नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसलिए आपको इसके लिए क्या होना चाहिए, शुरू से ही तैयार रहना चाहिए। ओके देखिए, अगला जो हमारा है कि जिस तरह से हम जानते हैं कि जैव विविधता से हमको लाभ तो बहुत सारे प्राप्त होते हैं, ठीक है। जैसे कि जंतु की बात करें, जैसे शेर हो गया तो शेर आपको हिरण को खाएगा, ठीक है, ये हमारे जैव विविधता के अंदर ही तो आता है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी से हमको भोजन की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसमें जो इकोलॉजिकल, इसमें इकोलॉजिकल जो सिस्टम जो होती है वो भी एक प्रकार स्टेबल बनी रहती है, ठीक है। इसके साथ साथ इसका सामाजिक और सौंदर्य भी महत्वपूर्ण है, पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। मानव कल्याण के भी क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव कल्याण के लिए कैसे, मानव कल्याण के लिए इसलिए क्योंकि हमारा जो गेहूं जो होता है, चावल जो होता है, जो हम खाते हैं, कपास की जो खेती करते हैं, सभी क्या है एक प्रकार का कमर्शियल क्रॉप्स के साथ साथ हमको खाद्य पदार्थ के रूप में भी हमको जरूरी होता है, तो ये सब बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ मेडिसिन में बहुत सारे यूज होते हैं, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ध्यान देने की जरूरत है इसको आपको, सर्पेंटाइन जैसे कि आपको सर्पगंधा से प्राप्त होता है, इसका काम होता है कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। डायोसगेनिंग, डायोसगेनिंग जो होता है हमारा डायोस्कोरिया से प्राप्त होता है, ठीक है। इसका जो काम होता है हमारा पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है, ये भी जरूरी है। आपका विंड ब्लास्टिंग, ये हमारा सदा सुहागन जो वृक्ष से प्राप्त होता है, ठीक है, हम या फिर विन क्रैस्टिंग से भी प्राप्त होता है, इसका जो काम होता है हमारा कैंसर को रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, हमारा साइटरे बीन, ये हमारे स्पंज से प्राप्त होता है, हमारा सफ़ेद दाग, इसमें लीकेमिया के नाम से भी जानते हैं, इसके लिए भी असरदार है। कुनेन, आपको पता ही होगा कि कुनेन की जो प्राप्ति होती है सिंकोना के छाल से प्राप्ति होती है, और इसका जो इलाज होता है आपका मलेरिया के रूप में किया जाता है, ठीक है। ग्रीसियोफलविन, आपका ये प्रकार का जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, जीवाणु का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसेज है, ये प्रकार का एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन, ये आपको तो पता ही होगा ये कवक से प्राप्त किया जाता है, ये भी प्रकार का एंटीबायोटिक है। बेसी ट्रासिंग, ये भी जीवाणु से, बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है, ये भी आपका आपका एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो इन सब का नाम आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि कुनेन की प्राप्ति किससे होती है, सर्पेंटाइन की प्राप्ति किससे होती है, उसका मेन स्रोत क्या है, ठीक है, या फिर सर्पेंटाइन का काम क्या होता है, ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है, इसको आपको ध्यान देने की विशेष जरूरत है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ विशेष बातों को भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, यदि आप लोग भारत की जो बायोडायवर्सिटी है, ठीक है, हम लोग पूरे विश्व में बात करें तो भारत जो हमारा 10वें नंबर पर आता है पूरा बायोडायवर्सिटी के तुलना में, कितने नंबर पर, 10वें नंबर पर आता है। हम लोग एशिया की यदि हम लोग बात करें तो एशिया हमारा 4th स्थान पर है, ठीक है। कि तीन कौन है, तो बाकी तीन आपका हो गया इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, ये सब आपकी बाकी तीन जो बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र में बहुत ही
एक प्रचुर है, एक प्रकार का आपको विपुलता देखने को मिलेगी। तो आपका चौथा जो स्थान है आपका भारत में ही देखने को मिलेगी। ओके, यदि हम लोग भारत सरकार के जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत जो 2000 में डाटा जो निकाला गया था उसके तहत हमें बोला गया था कि भारत में 47,000 क्या है हमारा पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ये किस कब का आंकड़ा है, तो आपका 2000 का आंकड़ा जिसका जो जारी किया गया था आपका केंद्रीय वन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। इसके साथ साथ 81,000 के हमारा प्राणी यहाँ पर निवास करते हैं, कहाँ पर, भारत में, ठीक है। तो इसका प्रयोग भी आप लोग मेंस राइटिंग में भी कर सकते हैं कि इस तरह से आग्रह यहाँ पर दे सकते हैं ताकि आपका जो आंसर राइटिंग हो ये इफेक्टिव बन सके, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जो कि आपका विगत वर्ष में पूछा गया था SCF की एग्जाम में, ठीक है, जो मेयर्स था, ठीक है, एक मेयर्स एक प्रकार का बोल सकते हैं कि आप बायोडाइवर्सिटी को लेकर बहुत ही सच्चे वैज्ञानिक थे बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस मेयर्स ने क्या कहा था कि है ना 12 स्थलों की पहचान किया था, ठीक है, और 12 स्थल क्या क्या थे, तो जिसके अंतर्गत कि विश्व के जितने भी पादप जाति हैं, जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसका 40% भाग आता है कहाँ पर, ये 12 स्थल में। किसने बताया, तो आपका मेयर्स ने। नाम ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है, नाम से आपको किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इसलिए आपको नाम ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता है, ठीक है। इसमें बोला है कि मेयर्स ने 12 प्रकार के जगह का पहचान किया है और उसने कहा कि इस 12 जगह में क्या होता है कि विश्व में जितने प्रकार का पादप जाति पाए जाते हैं उसमें 40% जो होता है इस 12 जगहों से ही प्राप्त होता है, ठीक है। साथ साथ विश्व का क्या होता है, जितने भी भूभाग है उसमें 0.2% जो भूभाग है इसी 12 क्या आता है, 12 देशों के अंतर्गत आता है, ठीक है। इतना क्या बोला मैंने कि 14% आपका पादप जाति ही आता है और 0.2% इसी 12 देश में क्या शामिल है, ठीक है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर में वो 12 बड़े देश कौन कौन से हैं, 12 मेगा है ना, जो 12 मेगा बायोडायवर्सिटी वाले देश कौन कौन से हैं। ध्यान दीजिए मैं नाम बोल रहा हूँ, आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए आप उसमें कंप्रोमाइज ना कीजिए। तो नाम बता रहा हूँ मैं आपको, मैक्सिको, कोलंबिया, ब्राजील, पेरू, जायरे, मेगागास्कर, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन और आपका ऑस्ट्रेलिया। ये 12 क्या है, मेगा बायोडायवर्सिटी वाले देश हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं, है ना। तो आपको मैंने जो जो बताया उसको आप लोग अच्छी तरह से नोट्स यहाँ पर बनाएं ताकि आपको रिवाइज करते समय किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चैनल पर नहीं नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।